हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर सी क्लासेज। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ के लिए हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। इससे पहले के जो आप प्रश्न देख रहे हैं स्क्रीन में, 12 तक जो है हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए और इससे आगे के लिए आज की वीडियो देखिए। तो ये प्रश्न हो सकता है कि आपको एनुअल एग्जाम में आए। तो पहला प्रश्न है, यमक और श्लेष अलंकार के उदाहरण देते हुए अंतर बताइए। तो यमक अलंकार क्या होता है? यमक एक ही शब्द की आवृत्ति अनेक बार और हर बार अर्थ भिन्न हो, तो वहाँ पर होता है यमक अलंकार। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, तो यहाँ पर क्या है, कनक कनक जो वर्ड आया है कई बार आया हुआ, दो बार, तो दोनों के अर्थ भी अलग अलग हैं। और एक होता है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का क्या होता है कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे रहन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानस चून। नेक्स्ट है, चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती है उदाहरण देकर बताइए। तो चौपाई छंद क्या होता है कि चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में जो है 16 मात्राएं होती है। फ्रेंड्स, उदाहरण आप क्या लिख सकते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहंस दशरथ अजर बिहारी, आप ये लिख सकते हैं। जो 14वां प्रश्न है, विद्यानिवास मिश्र अथवा शरद जोशी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। दो रचनाएं, भाव पक्ष कला पक्ष और साहित्य में स्थान। मैं आपको इसका आंसर बताता हूं, आप प्लीज नोट कर लेना। विद्यानिवास मिश्र की रचनाएं बताता हूं सबसे पहले। तो एक है गार्डन हिंदी पोएट्री, एक है राधा माधव और रंगगमी संस्कृत निष्ठ, ललित गंभीर और व्यक्ति व्यंजक निबंधकार हैं ये सब। फिर शरद जोशी की रचनाएं क्या हो सकती हैं, शरद जोशी की इनकी रचनाएं हो सकती हैं कि जीप पर सवार रहा किनारे बैठ, सरल सहस्र हास्य व्यंगात्मक शैली, ये सब लिख सकते हैं इनके में। 15वां है तुलसीदास अथवा मैथिली शरण गुप्त की काव्यगत परिचय देना है आपको। तो तुलसीदास की रचनाएं आप लिख सकते हैं, रामचरितमानस, कवितावली, इस सगुण भक्ति धारा के कवि थे, अवधि भाषा का प्रयोग किया था इन्होंने, भाषा में दोहा एवं कुंडलियां छंद का प्रयोग किया इन्होंने। और जो मैथिली शरण गुप्त हैं, इन्होंने साकेत भारती भारत भारती पंचवटी की रचनाएँ की। इनकी जो भाषा थी सरल भाषा थी, मानवता और गांधीवादी दृष्टिकोण, तुकांतवादी कविता थी इनकी। अब जो आप अगला प्रश्न देख रहे हैं 16वां, आप मैं इसको आपको कराता हूँ। निम्न लिखित पद्यांश के प्रसंग संदर्भ सहित व्याख्या करनी है फ्रेंड्स। तो आप सबसे पहले तो इसका कविता का नाम क्या है, मेरा नया बचपन है, जो कविता ली गई है मेरा नया बचपन से है। कवित्री हैं इसकी सुभद्रा कुमारी चौहान। और व्याख्या तो आप इसमें अपने हिसाब से कर सकते हैं, ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी आ झोपड़ी और चीथड़ों में रानी। जो नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं शीश पगा न तन जगा, ये है सुदामा चरित से लिया गया है फ्रेंड्स। कवि हैं इसके नरोत्तम दास। और व्याख्या किसने की है, स्वयं विवेक के आधार पर आप कर सकते हैं वैसे तो इसको, कि अपने शीर्ष जो द्वारपाल है वो कृष्ण से बोल रहा है कि आपके द्वार में ऐसा एक व्यक्ति आया है, ब्राह्मण आया है, जिसके सिर में कोई कपड़ा नहीं है, कपड़े जो तन में है वो फटे पुराने हैं, इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। नेक्स्ट है, फिर एक गद्यांश आता है आपको, गद्यांश देख लीजिए, आपको हो सकता है पेपर में इसी टाइप का आएगा कल। हिंदुस्तान एक विचित्र देश है, उसकी पहचान नदी से होती है या वनस्पति से, उसके देश काल का बोध या तो नदी कराती है या वनस्पति कराती है। तो पाठ का नाम जो है फ्रेंड ये नारियल है, ठीक है, नारियल है। लेखक का नाम है विद्यानिवास मिश्र, ठीक है। और जो आप अगला चैप्टर देख रहे हैं, अगला व्याख्या देख रहे हैं, विश्व धर्म महासभा एक मूर्तिमान तथा सिद्ध हो गई है, ये जो है पाठ का नाम है व्याख्यान। पाठ का नाम इसका क्या है, व्याख्यान जो पाठ है आपका उससे लिया गया है। और जो इसके लेखक हैं स्वामी विवेकानंद जी हैं, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। फिर जो 18वां प्रश्न है, एक गद्यांश दिया हुआ है आपको, इसको पढ़ना है और आपको इसका जो है फिर आंसर देना है। तो 18वां प्रश्न का मैं आपको बताता हूँ, उपर्युक्त गद्यांश का सटीक शीर्षक दीजिए। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो हमारी संस्कृति के बारे में आप लिख सकते हैं इसका, हमारी संस्कृति, किस देश को हम भावी जीवन में देखना चाहते हैं। तो राष्ट्र की प्रगति के आधार को हम अपने जीवन में देखना चाहते हैं, राष्ट्र की प्रगति के आधार को लिखा हुआ, किस तेज को हम भावी जीवन में देखना चाहते हैं। तो राष्ट्र की प्रगति के आधार को हम अपनी जीवन में देखना चाहते हैं, लिखा हुआ देख लो। फिर है, हमारे पूर्वजों ने किन किन क्षेत्रों में अपना पराक्रम दिखाया है। तो हमारे पूर्वजों ने जो है कला संस्कृति में, कला में संस्कृति में राष्ट्रीय धर्म धर्म और विज्ञान के क्षेत्र में अपना पराक्रम दिखाया है, पर पहली लाइन ही है आप देख सकते हैं। फिर है विलोम शब्द लिखिए, अतीत और पराक्रम का। अतीत का क्या होता है फ्रेंड, वर्तमान बोल सकते हैं या नवीन बोल सकते हैं, पराक्रम का दुर्बलता आप बोल सकते हैं। गौरव शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो भारतीय होना हमारे लिए गौरव की बात है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं।
फिर जो आप 19वां प्रश्न देख रहे हैं, अपने मित्र को पत्र लिखकर गांव में चलने वाले मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की जानकारी दीजिए। ठीक है, एक पत्र आपको लिखना है। फिर अगला जो प्रश्न है इसी में कि सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल को आवेदन पत्र लिखकर अंक सूची की द्वितीय प्रति मंगवाइए। तो अच्छा है, प्रश्न रहता है ये, कई बार आते हैं। और एक निबंध आया हुआ है, आप इसको देख लें, आपको इनमें से कल ही पेपर में कोई देखने को मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये था एक पेपर, उम्मीद करता हूँ आपने देख लिया होगा। पहला वीडियो भी आप देख लीजिए, उससे भी आपको कुछ समझने को मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।